और जब 3 साल की मासूम बेटी ने अपने पिता की चिता को आग लगाई तो वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखें गीली हो गई। 3 साल की वैष्णवी को तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि उसके पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। इस मासूम को इस बात का भी एहसास नहीं था कि जिस चिता को वह आग दे रही है उस पर उसके पिता लेटे हैं। कासगंज में शराब माफिया के हमले में सिपाही देवेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। देवेंद्र आगरा जिले के नगला बिंदु गांव के रहने वाले थे। वह कासगंज में शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे। उनके साथ दारोगा अशोक कुमार सिंह भी मौजूद थे। शराब माफिया ने दोनों पर हमला बोल दिया और सिपाही देवेंद्र सिंह शहीद हो गए। दारोगा अशोक कुमार सिंह अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देवेंद्र सिंह का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। वैष्णवी को तो अब भी यही लगता है कि उसके पापा उसके लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसके पापा के हाथों में चोट लगी है। एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसे अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा देना पड़ता है। पापा कहाँ हैं? लग गई उनके? कहाँ लग गई है? हाथ में। आपने देखा था? आपने देखा था उनको? आपसे पापा क्या बोल के गए थे पिछली बार आए थे जब? इधर देखो, आपके पापा कुछ बोल के गए थे आपसे? बोल बेटा बोल। पानी पियोगे? पानी पियोगे? आपके पापा ने आपसे कुछ बोला था? क्या बोलते थे आपको? देवेंद्र ने अपनी छोटी बहन की शादी तय कर रखी थी। 2 मई को बहन की शादी थी। अभी 10 दिन पहले ही तो वह गांव आए थे। बहन की शादी की तैयारियां भी तो देखनी थी। अब देवेंद्र के पिता को यह चिंता खाए जा रही है कि उनकी बेटी के हाथ पीले कैसे होंगे। अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करेंगे? हाँ परेशानी तो दिया ही, दाम भाई जानी परेशानी होगी। बेटा का मेरा हो गया मुझे। चूंकि बेटा हो। ए कोई बेटा हो मुझे। तेरे कैसे नहीं कैसे नहीं मुझे तो। मुझे तो तोला है जाकर। तोला ना रही मुझे तोला ना रही देखो को तोला ना दे। तोला तो खूब हो जाकर। ये कोई बेटा हो भाई को बेटा ना है भाई। ओ तो बच्ची है छोटी छोटी। घर का इकलौता कमाने वाला चिराग अब बुझ चुका है। देवेंद्र की माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसे अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा देना पड़ता है। काश मारने वाले को इस बात का एहसास होता कि वह एक साथ कितने लोगों को मार रहा है। काश वह यह समझ पाता कि उसके एक जुर्म की सजा कितने लोगों को भुगतनी पड़ती है। लेकिन यह काश काश ही रह जाता है और अपने पीछे रोते बिलखते परिजनों को छोड़ जाता है। ईटीवी भारत के लिए आगरा से अजय पाल सिंह की रिपोर्ट।